नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। योग की इस श्रृंखला में मैं आज आपको पर्वतासन के बारे में बताऊंगा, उसको करने की विधि और उसके बेनिफिट्स। तो आइए देखते हैं पर्वतासन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बैठेंगे क्रॉस लेग पोजीशन यानी पद्मासन में। दाएं पांव को बाएं थाइस के ऊपर रखें और बाएं पांव को उठा के दाएं थाइस के ऊपर रखें। यह पद्मासन है। अगर किसी से पद्मासन नहीं लग सकता तो आप सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, जैसे आप घर पे बैठते हैं। पर्वतासन माउंटेन पोज, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखेंगे और भुजाओं को ऐसे ना करके ऐसे रखें, बिल्कुल रिलैक्स करके, और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। और यहां सांस छोड़ देंगे फेस ऊपर, यहां भी सांस भरें और छोड़ते फेस को सामने, सांस को छोड़ते हुए फेस को सामने लेके आए और कान आपकी आर्म्स यानी आपके कंधों को टच करेंगे। यहां पे ये टच करेंगे आपके कान इधर और ये भी कान, और भुजाओं को बिल्कुल सीधी ऊपर को खींचते रहेंगे जितना आप खींच सकते हैं, कमर को सीधी। यहां कम से कम आप आधा मिनट तो रुके रुके, शुरुआत में हो सकता है आपसे ना हो, और जैसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो इसकी समय अवधि बढ़ाते जाएं और नॉर्मल सांस लें। यहां पर सांस भरें और छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें। तो ये था पर्वतासन, इसके बेनिफिट। हमारी स्पाइन का जो एरिया है आसपास का उसमें ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, बढ़ाता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाता है और हमारे कंधों को भुजाओं को मजबूत करता है, बैली को यानी पेट को तेजी से अंदर करता है, पेट की चेस्ट की यानी हमारी पूरी मसल्स यानी जो हमारा अपर पार्ट है टोर्जो, इसको ऊपर खिंचाव पड़ता है इसका। तो जो हमारा शरीर का लटका हुआ हिस्सा होता है, कुछ लोगों का शरीर बड़ा ढीला हो जाता है एक एज में आके, तो उसमें भी कसाव आने लगता है। जिन लोगों की कमर मुड़ी हुई होती है और झुकी हुई होती है वो भी सीधी और मजबूत हो जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर उनको भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। साथियों, उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे और योग करके जो उसके बेनिफिट्स हैं योग के वो जरूर लें। ये एक नेचुरल प्राकृतिक पद्धति है जो कि भारत में ईजाद हुई है, भारत में इसका जन्म हुआ है। आज पूरी दुनिया योग का बेनिफिट उठा रही है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है आप भी करेंगे। नमस्कार, चेहरे पे स्माइल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। नमस्ते, अपना ध्यान रखें।